मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों पर और पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो कल बेटा हमने पढ़ी थी भाषा, आपका पार्ट एक था। उस पार्ट एक में आपके तीन टॉपिक थे बेटा। कल पार्ट एक था, उसमें तीन टॉपिक थे, भाषा, लिपि और व्याकरण। कौन कौन से थे? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो कल हमने अपना पहला टॉपिक पढ़ा था भाषा। सब लोगों को समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं? सबको समझ में आ गया आपको कि भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कल हमने यही पढ़ा था ना, और आप सबको समझ में भी आ गया होगा। अब भाषा के रूप पढ़े थे, उसके बाद हमने पहला था कि भाषा किसको कहते हैं। तो भाषा की हमने अर्थ पढ़ा था भाषा का, कि जिसके माध्यम से अपनी बात समझाए, दूसरे की समझाए, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के रूप कितने होते हैं बेटा? भाषा के रूप होते हैं दो। कौन से रूप होते हैं? दो। पहला कौन सा था? मौखिक भाषा। कौन सा था? मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में हमने क्या जाना कि वह भाषा जिसको हम बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्या था? नंबर एक ये हो गया। नंबर दो लिखित भाषा। कौन सी भाषा थी? लिखित भाषा। अब बेटा लिखित भाषा क्या होती है? जिस भाषा में हम अपनी बात किसी को लिखकर बताते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जब हम कोई बात को लिखकर बताएंगे तो दूसरा उसको कैसे समझेगा? पहले उसको पढ़ेगा जब समझेगा ना, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। आपको समझ में आ गया ये? अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे कौन सा टॉपिक था हमारा? देखो भाषा, ठीक है, लिपि और व्याकरण। और बड़ा तीन टॉपिक इसमें, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हमने भाषा पढ़ लिया कल, ठीक है, और भाषा हमको समझ में भी आ गया होगा सभी को। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि, कि ये लिपि किसे कहते हैं, कि लिपि किसे कहते हैं। तो बेटा हमारे यहाँ या हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में भी कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन सारी भाषाओं के अपने अपने अलग अलग चिन्ह हैं, यानी कि लिखने का तरीका है। जैसे हम हिंदी को लिखते हैं तो ये वर्ण होते हैं, उनकी सहायता से हम हिंदी को लिखते हैं ना, तो ये इसके चिन्ह हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में भी चिन्ह होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू की अपनी एक अलग भाषा होती है, अलग चिन्ह होते हैं। तो जितनी भी भाषाएं संसार की, उन सबको लिखने के लिए बेटा एक अलग अलग चिन्ह है। उन सबको लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह है। उन चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि भाषा के लिखने के ढंग को, कि हम भाषा को किस तरह से लिखें, उसको हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब देखो बेटा सब भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसे क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। या फिर जो भाषा के लिए जो चिन्ह प्रयोग में किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दोनों चीजें सेम है कि भाषा के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इन सब
सारी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। क्या नाम है? देवनागरी। ऐसे ही अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम है रोमन। क्या है? रोमन। हम यहाँ संस्कृत की बात करें, संस्कृत भी एक भाषा है, संस्कृत की बात करें तो उसकी लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। क्योंकि बेटा जो हिंदी है वो हमारी संस्कृत से ही जन्मी है, संस्कृत से ही जन्मी है, तो इन दोनों की लिपि सेम है। यहाँ हम पंजाबी की बात करते हैं तो पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी। क्या नाम है? गुरुमुखी। ऐसे बेटा आपने देखा कि जो लिपि है उन सबकी भाषा, जो भी लिपि है इनकी सबकी भाषा अलग है, भाषाओं की लिपि अलग है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है बेटा? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। क्या है? रोमन। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। और आप लोग कहेंगे दोनों की लिपि देवनागरी क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी है वो संस्कृत से ही जन्मी है। ठीक है बेटा, संस्कृत से ही हिंदी जन्मी है। ठीक है, पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। आगे बेटा आप सबको समझ में कि लिपि क्या होती है, और ये कुछ लिपि है जिनके, ये कुछ भाषाएं सॉरी जिनकी लिपियों के ये नाम है। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। ये सब आपको समझाने के लिए है, आप इसको कोई भी लिखेगा नहीं। ठीक है बेटा, व्याकरण। अब हम सोचेंगे हमने भाषा पढ़ी, लिपि पढ़ी, लेकिन ये व्याकरण क्या है? लेकिन ये व्याकरण क्या है? व्याकरण बेटा वो चीज है, वो शास्त्र है, हम अगर कहें तो वो शास्त्र है जहाँ हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान पता चलता है। यानी कि हिंदी में हम शुद्ध लिख रहे हैं, अशुद्ध लिख रहे हैं, ये सब चीजें हमको व्याकरण से पता चलती है। किससे पता चलती है? व्याकरण से। जैसा आपने देखा होगा कि हम जब फर्स्ट क्लास में थे तो हमने शब्द बनाना कहाँ से सीखा? व्याकरण से। वर्ण कहाँ से सीखे? व्याकरण से। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा कि जो व्याकरण है वहीं से हम हिंदी को लिखना और पढ़ना हम सीखते हैं, और साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि ये शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें वाक्य या शब्द के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता चलता है। किसका पता चलता है? शुद्ध या अशुद्ध होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को बोलना सीखेंगे, तो बोलना सीखेंगे तो उसको शुद्ध बोलेंगे या अशुद्ध बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे ना, तो किसकी सहायता से बोलेंगे? व्याकरण की सहायता से। किसकी सहायता से बोलेंगे? व्याकरण की सहायता से। जैसे हम बोल रहे हैं कि पतंग उड़ रहा है, हमने बोला पतंग उड़ रहा है, तो बेटा ये बात के हमको ये गलत लग रहा है ना, कि ये बात के कहीं ना कहीं इसमें गलत है, कहीं ना कहीं हमें इसमें गलत है। अगर हमने व्याकरण पढ़ी होगी तो हम फटाफट से पढ़ लेंगे कि इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसमें क्या आएगा? पतंग उड़ रही है, ये वाक्य शुद्ध होगा। तो ये सही है और ये गलत है, इसका ज्ञान हमको कहाँ से हुआ? उसका ज्ञान हमको व्याकरण से हुआ बेटा। कहाँ से हुआ? व्याकरण से हुआ। ठीक है बेटा, तो व्याकरण किसको कहते हैं? जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे भाषा के
शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखो बेटा, पहले हमने भाषा पढ़ी। भाषा क्या था कि हम किसी भी बात को बोलकर लिखकर बताएं दूसरों को, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा, पहला उसकी भाषा के भेद हो गए मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर बताते हैं, दूसरा सुनकर समझता है, और लिखित भाषा में हम लिखकर बताते हैं, दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। क्लियर हो गया बेटा? फिर हमने पढ़ी लिपि। लिपि क्या है कि भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं कि हम भाषा को किस तरह से लिखेंगे, हम भाषा को किस तरह से लिखेंगे उसका पता चले, उसे लिपि कहते हैं। अब बेटा आप देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण जिससे भाषा के शुद्ध रूप का, जिससे हमें पता चले कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है, भाषा का शुद्ध रूप क्या है, वह क्या होता है? व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण होता है। क्योंकि हम जो भी वर्ण शब्द वाक्य कुछ भी बनाना सीखते हैं वो सब व्याकरण से सीखते हैं, और उनकी शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान हमको व्याकरण से ही होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको समझ में आ जाएगा सभी को ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इसलिए करेंगे सही उत्तर पर सही का निशान। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शन होंगे, लेकिन हम उसमें से ये बताएंगे कि जो सही उत्तर है वो कौन सा है, सही उत्तर है वो कौन सा है। तो हम सबसे पहले यह निकालेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। हमने सबसे पहले क्या लिखा? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसको हम रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, रेखांकित करेंगे इसको हम। ठीक है बेटा, अब हम इसमें लिखेंगे ही अपना प्रश्न एक है। ठीक है, अपना जो एक है प्रश्न वो क्या है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे का। क्या लिखेंगे? का। का में क्या लिखेंगे? व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या प्रश्न है अपना? व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि व्यक्ति जो है वो अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेगा। तो सबसे पहला है इसमें भाषा के द्वारा फिर दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प क्या हो गया? भाषा के द्वारा। दूसरा विकल्प है बच्चे के द्वारा। और जो आपका तीसरा विकल्प है वो है पशु के द्वारा। इसके द्वारा पशु के द्वारा। अब बेटा आप देखो प्रश्न क्या कह रहा है अपना कि व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है, कि व्यक्ति अपने विचार या अपनी बात दूसरों को कैसे कहता है। तो हमने कल पढ़ा था कि व्यक्ति अपने विचारों का भावों का आदान प्रदान कैसे करता है? भाषा के द्वारा। तो ये बार राइट होगा अपना, भाषा के द्वारा। दूसरा प्रश्न है भाषा के
कितने, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने रूप हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 4। देखो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा के कितने रूप हैं। पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प 3 और तीसरा विकल्प 4। तो बेटा कौन सा है, भाषा के कितने रूप है, 2 है ना, तो कौन सा विकल्प सही है, पहला कि भाषा कितने रूप है, 2। अब है प्रश्न ग, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। देखो बेटा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमको कहाँ से होता है। तो इसका पहला विकल्प है व्याकरण के द्वारा, नंबर 2 लिपि के द्वारा, दूसरा विकल्प है लिपि के द्वारा और अपना तीसरा विकल्प है वाक्य के द्वारा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपने कितने विकल्प हो गए, 3 विकल्प हो गए। पहला विकल्प क्या है अपना कि हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कहाँ से होता है, ये प्रश्न पूछा है तो हम क्या बताएंगे इसमें कि हमको भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कहाँ से होता है, व्याकरण से होता है, लिपि से होता है या वाक्य से होता है। तो हम सबने अभी अभी पढ़ा था कि जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करा है उसे व्याकरण कहते हैं। तो क्या आएगा इसमें, व्याकरण के द्वारा। क्या आएगा, व्याकरण के द्वारा। क्या भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कहाँ से होता है, व्याकरण से। बेटा हम इसको रीड करेंगे दोबारा समझेंगे। पहला प्रश्न है व्यक्ति विचारों का प्रदान आदान प्रदान करता है, व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है किसके द्वारा, भाषा के द्वारा, बच्चे के द्वारा या पशु के द्वारा। तो क्या आया अपना सही उत्तर, भाषा के द्वारा। दूसरा है भाषा के कितने रूप हैं, तो हमने पढ़ा था भाषा कितने रूप है बेटा, 2। पहला उत्तर इसका, पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। तीसरा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कैसे होता है, व्याकरण के द्वारा, लिपि के द्वारा या वाक्य के द्वारा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, व्याकरण के द्वारा। हम क्या लिखेंगे इसमें, व्याकरण के द्वारा। आगे बेटा आप सबको समझ में, सबसे पहला कि भाषा किसको कहते हैं, जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरों की बात समझते हैं, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं, फिर दूसरा था आपका कि लिपि किसे कहते हैं, क्या था, लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहेंगे, लिपि, क्या कहेंगे, लिपि। फिर है आपका व्याकरण किसको कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, शुद्ध रूप का, कि हम कोई भी जो वाक्य लिख रहे हैं, वर्ण लिख, शब्द लिख रहे हैं वो शुद्ध है
या शुद्ध है, या हम कुछ बोल रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इन सबका ज्ञान हम लोग कहाँ से होता है? व्याकरण से होता है। कहाँ से होता है? व्याकरण से होता है। उसके बाद आपके लिए एकदम राइट है, यानी कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आपका ये पहला प्रश्न है आपके पार्ट एक का, तो आप इस प्रश्न को इसके इसी तरह से लिखेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम प्रश्न का लिखेंगे, फिर हम उसके तीनों ऑप्शन लिखेंगे, और जो अपना राइट विकल्प है, जो अपना राइट विकल्प है उस पर क्या करेंगे, ये सही का निशान लगाएंगे, राइट का चिन्ह, राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है। भाषा के कितने रूप है बेटा, आप सबको पता है, दो रूप है। कितने रूप है? दो रूप है, क्योंकि हमने कल की कक्षा में भी पढ़ा था और हमने आज भी इसको समझा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान वहां से होता है आपको, व्याकरण से, लिपि से या वाक्य से। तो क्या आएगा उत्तर हमारा? व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण के द्वारा, ठीक है बेटा। आप सब इसको अपने व्याकरण की कॉपी में करेंगे। किसकी कॉपी में करेंगे? व्याकरण कॉपी में। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि हिंदी की अपनी दो कॉपियां रहती है, एक अपनी मधुबन बुक की और दूसरा अपना व्याकरण बुक की। तो हम इसको किस में करेंगे? व्याकरण की कॉपी में करेंगे, ठीक है बेटा। व्याकरण की कॉपी में करने से पहले कॉपी को कवर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और ये सारा वर्क अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।